हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों मैं करने वाला हूं अपनी गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील और स्पीडोमीटर का जो कवर होता है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। और अगर आप भी अपनी कार में ऐसी ही कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और ये जो एसी वेंट है ये मैंने पहले ही कर दिए थे। अगर आपको ये देखना है कि एसी वेंट मैंने कैसे करे थे तो इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी थी, आप चैनल में जाके देख सकते हैं कि एसी वेंट्स मैंने कैसे किए। आज मैं सिर्फ करने वाला हूँ ये जो स्पीडोमीटर का कवर है इसको और हॉर्न पैड को। और उसके लिए मुझे निकालना होगा इस स्पीडोमीटर के कवर को और स्टीयरिंग व्हील के हॉर्न पैड को, ये चीज खोल लेनी होगी। तो सबसे पहले मैं ये स्पीडोमीटर का कवर खोलूंगा, जो कि बहुत ही आसान है। तो इसे खोलने के लिए चाहिए मुझे एक स्क्रू ड्राइवर, और सिंपली मैं इससे इसको अनलॉक करूंगा। इसमें कोई स्क्रू नहीं होते हैं, बस इसको ऐसे अंदर डालना है और इसको जो लॉक्स होते हैं वो हटाने हैं इसके, बस ये ऐसे अनलॉक हो जाता है। तो इसको ऐसे बाहर की साइड खींचना होगा, और ये सिंपली बाहर आ जाएगा। इसको मैं फिलहाल साइड पे रख देता हूँ, और अब खोल लेता हूँ अपने स्टीयरिंग हॉर्न पैड को। इस हॉर्न पैड को खोलने के लिए इसमें पीछे स्क्रू दिए होते हैं, तो हमें वो खोलने होंगे। ये तीनों स्क्रू मैं खोलने वाला हूँ, और तीनों स्क्रू बाहर आ चुके हैं। अब इसको सिंपली ऐसे उठाना है ऊपर, और इसमें एक हॉर्न का वायर होता है, इसको अलग करना है। तो इसको सिंपली यहाँ से प्लग आउट कर देंगे, बस ये वाला छोटा सा प्लग होता है, इसको निकाल लेना है बाहर। और दोस्तों ये जो हमारा स्पीडोमीटर का कवर है इसको तो बस ऐसे ही हल्के से कपड़े से साफ करूंगा मैं, और ये जो मेरा हॉर्न पैड है मैं इसको थोड़ा अच्छे से साफ करूंगा, क्योंकि इस पे यहाँ पे थोड़ी गंद जमी हुई है, इसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको साफ नहीं किया तो इसमें अच्छी फिनिश नहीं आ पाएगी। और दोस्तों ये जो हुंडई का लोगो है इसको मैं इस टेप की मदद से कवर कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसको पूरे को रेड करना है हॉर्न पैड को, और जो लोगो है उसको व्हाइट रखना है। दोस्तों ब्लैक वाली टेप से तो काम नहीं बना, क्योंकि इस पे अच्छे से चिपक नहीं रही है। तो इसके लिए लेके आया हूँ मैं ये व्हाइट वाली टेप, जो कि आपको 30 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। और अब मैं इस टेप को यहाँ पे चिपका के इस लोगो पर और उस टेप की कटिंग कर दूंगा, ताकि जो रेड पेंट है मेरा लोगो पे ना आ पाए। और इसकी कटिंग करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इस ब्लेड को। दोस्तों टेपिंग का काम पूरा हो चुका है, हॉर्न पैड का फर्स्ट कोट तो पूरा हो चुका है, और अब मैं इसको सूखने के लिए रख दूंगा सेकंड कोट के लिए। तब तक मैं उस पर फर्स्ट कोट लगाऊंगा। अब मैं इसको भी सूखने रख दूंगा 10 मिनट के लिए। और दोस्तों इसको 10-15 मिनट हो चुकी है फर्स्ट कोट को, अब मैं इस पे सेकंड कोट लगाने जा रहा हूँ। और इसको भी 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब मैं इस पे भी सेकंड कोट करने जा रहा हूँ। और ये भी कंप्लीट हो चुका है, अब इसको सूखने के लिए रख देते हैं। और इन दोनों को पेंट करने में मेरा एक डब्बा तो पूरा खाली हो चुका है, और इसमें भी थोड़ा सा था तो ये भी पूरा खाली हो चुका है। दोस्तों इसका पेंट सूख चुका है, और जो मैंने इस पे टेपिंग की थी हुंडई के लोगों पे, अब मैं वो उतार के दिखाऊंगा आपको, फिर उस पे वाइट पेंट करूंगा। और ये टेप निकालने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, अब मैं इसको वाइट करूंगा। वाइट करने के लिए मुझे साइड पे इसके चारों तरफ टेपिंग करनी पड़ेगी, और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दोस्तों हॉर्न पैड को मैंने न्यूज़पेपर और टेप की मदद से पूरा कवर कर दिया है, और सिर्फ वही हिस्सा छोड़ा है जहाँ पे मुझे वाइट पेंट करना है। और दोस्तों इस पे एक कोट लग चुका है। जब तक मेरा लोगो का पेंट नहीं सूखता तब तक मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। इसको लगाने के लिए बस इसको इसकी जगह पे रखना है और हल्के से पुश करना है। और दोस्तों ये तो बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुका है अपनी जगह पे। थोड़ी देर के बाद मैं इसका हॉर्न पैड भी फिट करके दिखाऊंगा आपको, और ये वाइट पेंट भी सेट हो चुका है। अब मैं इसको न्यूज़पेपर को हटा दूंगा, और जो टेपिंग की हुई है वो भी यहाँ से हटा दूंगा। दोस्तों जो मैंने टेपिंग करी थी वो मैंने टेप सारी उतार दी है, और उतारने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। और अब जल्दी से कर देता हूँ गाड़ी में इसको फिट। हॉर्न पैड को फिट करने से पहले जो हॉर्न का वायर होता है पहले वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। हॉर्न का वायर लग चुका है, अब कर लेते हैं इसको फिट। और जल्दी से मैं ये तीनों स्क्रू इसमें टाइट कर देता हूँ। दोस्तों हॉर्न पैड के सारे स्क्रू मैंने अच्छे से टाइट कर दिए हैं, और मेरा हॉर्न भी अच्छे से वर्क कर रहा है।
दोस्तों ये थी कार के इंटीरियर की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।